We entire officers and staff of both directorate, elementary and secondary, totally oppose appointment of a special secretary education as in-charge director of elementary education. Because if he is appointed, then our teacher will lose the post of director forever. So how can we lose the post of director? We should at least have privilege to enjoy the post of director. Up to post of director, our teacher should avail the chance. To whom chahta hai ki appointment of special secretary education should be revoked. यहाँ आप लोग को हम लोग ने बुलाया और विटनेस करने के लिए आपकी माध्यम से सरकार को और समाज को और स्टूडेंट्स को जानकारी मिले ताकि एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में यह कह रहा है कि डिजिटलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन, इसकी बात में आपको यहाँ सब टीचर को ही आप उसको डिजिटलाइज नहीं करके एजुकेशन के स्टूडेंट के ऊपर में ज़्यादा ध्यान देता है, जो आप एकेडमिक एक्सीलेंसी का जब बात करने से। इसके चलते हम लोग ने ये जो डिमांड किया था कि स्कूल, सारा स्कूल में जैसे कि दूर दराज में हमारा टीचर तैनात है हर स्कूल में, हर बस्ती में, हर गांव में, लेकिन वहाँ की व्यवस्था को जब हम देखने से क्वार्टर नहीं है और हम लोग जो वहाँ लोकली अरेंज करके या मैनेज करके टीचर जो है रहता है और वहाँ टीचर की जो सेक्रेसी और वहाँ अपना किताबें को पढ़ने के लिए यहाँ ड्यूटी जाने से पहले प्रिपरेशन करने के लिए मौका नहीं मिलता है। इसके चलते टीचर लोग, कुछ टीचर जो है, हम लोग जो सरकार को ये डिमांड किया था कि हर स्कूल में, हर बस्ती में टीचर क्वार्टर बनाना है, कम से कम बैचलर ब्रेक जो बना देना है ताकि हम लोग को भी वो सुविधा मिले और क्वालिटी के ऊपर में भी हम लोग ध्यान दें और अपना आप में भी हम लोग एक गर्व महसूस करें कि हम लोग भी एक टीचर है और हम लोग की रहने की जो व्यवस्था, जो फैसिलिटी है, जो कम से कम मिल रहा है। तो ऐसे हम लोग ने 2018 से हम लोग का संगठन में हम लोग ने थीम जो आता आया है उससे पहले भी ये डिमांड किया है और उसकी चलते उस हम लोग की डिमांड को ही नहीं सुन के सरकार ने हम लोग की दो डायरेक्टर जो 2010 को सरकार की द्वारा, स्टेट सरकार की द्वारा क्रिएशन किया था कि उसको फिर क्लेविंग करने के लिए या उसको मार्जिंग करने के लिए एक निर्णय लिया, उस पर भी हम लोग ने अरुणाचल टीचर एसोसिएशन की ओर से और डिपार्टमेंट से हम लोग ने एक मेमोरेंडम प्लेस किया कि उसको रोल बैक करने के लिए, उसको उस डिसीजन को रिवोक करने के लिए और हम लोग जैसे जो डायरेक्टर है वो चलते रहना है और उसको और मॉडिफाइड करने के लिए, उसको और स्ट्रोंग या स्ट्रेंथन करने के लिए हम लोग जो डिस्ट्रिक्ट टू ब्लॉक और स्कूल लेवल में बाइफरकेट, कंप्लीट बाइफरकेशन सेकेंडरी एंड एलिमेंट्री करने के लिए हम लोग ने डिमांड किया था, लेकिन आज तक वो जो डिमांड ऐसे ही रह गया और सरकार हम लोग की जो मांग को, डिमांड को एडामेंट में रखा गया है और हम लोग ने उसके चलते ये जो कोरोना काल जो आ गया, ये पेंडेमिक जो आया है ड्यू टू आउटब्रेक ऑफ दिस कोरोना वायरस, हम लोग ने ऑफिस में जा नहीं पाया तो उसकी अनड्यू एडवांटेज लेते हुए सरकार ने आज हम लोग को देखने मिला कि हम लोग की एक डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन जो उसकी सुपरनेशन था, तो वो सुपरनेशन जाने की बात में डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन सुपरनेशन जाने की बात जॉइंट डायरेक्टर जो सीनियर मोस्ट है उनको चार्ज किया, उसको ऑर्डर निकालने के बावजूद उसकी स्पेशल सेक्रेटरी को एज ए डायरेक्टर इंचार्ज एलिमेंट्री एजुकेशन में ऑर्डर आया है, उस पर हम लोग जो सब निराश है, सारा डिपार्टमेंट जो है निराश है और सब लोग उस पर
सहमत नहीं है, और हम सब ने ये भी निर्णय लिया कि अगर हम लोग की इस डिमांड को फुलफिल नहीं करेगा, हम लोग की सीनियर मोस्ट जो जॉइंट डायरेक्टर को डायरेक्टर नहीं बनाएगा, हम लोग जो है सीरीज ऑफ डेमोक्रेटिक मोमेंट जो है हम लोग करेगा बोल के हम लोग ने सरकार को मेमोरेंडम प्लेस किया। और हम लोग चाहता हम लोग वी डू होप एंड फेट कि गवर्नमेंट विल लुक इनटू आवर जेन्युइन डिमांड। तो हम लोग का डिमांड जो बहुत ही जेन्युइन है, क्योंकि एजुकेशन एक्ट में क्लियरली लिखा गया है कि जॉइंट डायरेक्टर से ही आपको डायरेक्टर बनना है, यानी कि आपकी डिपार्टमेंटली प्रमोशनल पोस्ट है जो डायरेक्टर है वो आईएएस कैडर की या सिविल सर्विस कैडर की नहीं है। अगर वो सिविल सर्विस कैडर से अगर लाना ही है तो यूनिफॉर्मिटी में आप सारा डिपार्टमेंट में सारा अरुणाचल की डिपार्टमेंट में आप लाइए, देन वी विल एक्सेप्ट। आप डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस को, आप चीफ इंजीनियर्स को आप आईएएस से लीजिए, तब हम लोग जो डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री, डायरेक्टर ऑफ सेकेंडरी, डायरेक्टर ऑफ हायर एंड टेक्निकल हम लोग भी उसी में सहमत होगा। नहीं तो ये कहा जाता है कि हमारा एजुकेशन भी एक टेक्निकल डिपार्टमेंट है और यहाँ टीचर बनने के लिए भी एक टेक्निकल डिग्री की ज़रूरत होता है, यहाँ मिनिमम लेवल में आपकी डीलेट की ज़रूरत होता है और मैक्सिमम में आपकी एमएड है, एमएड से आप पीएचडी भी कर सकता है। तो उस लेवल की जो ये को क्रिटेरिया को फुलफिल करने के बाद टीचर आता है और उसके चलते ही आपको वो धीरे धीरे जब जब उसकी प्रमोशनल जब समय आएगा वो प्रमोशनल मिलते जाता है। तो आज तक वो हिस्ट्री है, लेकिन जो उस ये को बरकरार नहीं रख के आज जो स्पेशल सेक्रेटरी को देके रखा है, ये सरकार का गलत डिसीजन है। इस पर हम लोग जो है पूरा एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है सहमत नहीं है, हम लोग जो इसके अगेंस्ट में है, अपोज में है।